Namaskar. Kala Kunj, a cultural organization, was established in the year 1980 by Guru Ravi Jain and Shrimati Nalini Jain. Guru Ravi Jain always believed that knowledge increases when it is shared, and our cultural tradition continues to live when it is passed on to the younger generation. Since its inception, the organization has been organizing various stage and television productions for the younger generation and on socially relevant issues. Some of the prominent productions of the organization has been Sant Ravidas, Tum Chandan Hampani, Diwali, Holi, Shiv Bhakt Kanappa. The organization has been organizing various classical dance and music stage performances where eminent personalities have graced our shows. Taking the vision forward and preserving our cultural heritage, the organization has started Guru Ravi Jain Youth Festival. The two-day youth festival of classical Kathak dance and Hindustani vocal music was inaugurated by Padmavibhushan Pandit Birju Maharaj Ji and witnessed a huge support from the audience. Let's look at some of the highlights of the show. आज रवि भैया की याद में प्रोग्राम, उन्होंने वाकई में अपने जीवन में बहुत भक्ति से भरपूर बहुत सी चीज़ें की, और मुझे आज भी याद है इनकी तस्वीर मेरे पास, जब ये छोटे थे इटली से, बहन और भाई मेरी आज भी है तस्वीर मेरे पास, कलकत्ते की, घर गया, खाना खाया, वहाँ रहे, और महाराज हमारे शम्भू महाराज, उनकी बहुत अच्छी तालीम मिली इनको, बहुत अच्छी तालीम मिली। और जब कोई भक्त जो होता है, शागिर्द अच्छा होता है, तो उसके लिए कहा जाता है वो घर का मेंबर हो जाता है। तो ये तो मेरे घर के मतलब मेंबर में से हो गए, और उनकी याद करके सच में मन भर आता है। और अभी मैं देख रहा था उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, आज तक वैसे ही मेरे ध्यान में है, और बहुत मेहनत की उन्होंने कथक के लिए। और सच बात है कि ईमानदारी से काम करना, फिर नलनी भी हमारी, इनको भी खूब नाचते हुए देखा और बहुत सुंदर नाचते हुए देखा मैंने, तो ईश्वर ने बड़ी अच्छी जोड़ी बना रखी कि अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बिटिया भी हमारी जो हैं, इनकी बिटिया, वो भी अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, गहरी हैं। तो ये कहते हैं बहुत सबको मैं बहुत, जो भी यहाँ बजाएंगे नृत्य करेंगे सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना कहता हूँ। नमस्कार, हमारे साथ हैं
श्रीमती नलिनी मल्होत्रा जैन, और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि गुरु रवि जैन फेस्टिवल के पीछे, गुरु रवि जैन यूथ फेस्टिवल के पीछे उनका क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गुरु रवि जैन यूथ फेस्टिवल हम चाहते थे कि नए नए चेहरों को लाया जाए। गुरु रवि जैन के नाम से हम कई बार फंक्शंस कर चुके हैं कलाकुंज की तरफ से, और ये हमारी संस्था कम से कम 35 साल पुरानी है। इसके थ्रू हम कल्चरल प्रोग्राम्स स्टेज के लिए और दूरदर्शन के लिए काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार सोचा था कि नए चेहरों को सामने लाया जाए। और जो हमने कलाकार इस बार लिए हैं उनमें है रागिनी महाराज, और जो कि लखनऊ घराने की हैं, जयपुर घराने के हैं, संजीत गंगानी। हम जो कलाकुंज की सेक्रेटरी हैं मिस रिचा जैन, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कलाकुंज जैसे कि 35 साल पुरानी संस्था है हमारी, और इस बार हमने सोचा कि हम गुरु रवि जैन यूथ फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक प्रस्तुत करें, और इसमें सभी यंग आर्टिस्टों को लिया जाए जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मेरे पिता और मेरे गुरु रवि जैन, उनका हमेशा से ये सपना रहा था कि ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया जाए ताकि हम अपनी कलाओं को, अपनी संस्कृति को बचा कर रख पाएँ। और हमारा सौभाग्य रहा कि इस बार हमारे फंक्शन में एज चीफ गेस्ट इस फेस्टिवल की इनॉगरेशन पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी ने की, तो उनके आने से इस फेस्टिवल का मान बढ़ा और उन्होंने हमें ये प्रोत्साहन दिया कि हम इस फेस्टिवल को करते रहें आगे भी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें ये वापस, हम कई बार हर साल ये फेस्टिवल करते जाएं और यूथ को ये आश्वासन दें कि हमारा कल्चर, हमारी कला आज भी कमज़ोर नहीं है, हम और कई साल और आने वाली कई जनरेशन्स को ये अच्छी तरह विरासत में दे सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे एक दर्शक को ये पूरा फेस्टिवल कैसा लगा। जी, मेरा नाम चंदन है, मैं यहाँ से दो दिन से कल से यहाँ आज से आ रहा हूँ, और ये यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहा है और मुझे अच्छा लगा, और इसीलिए मैं आज के दिन में भी आया हूँ ये देखने के लिए। आइए हम जानते हैं कि हमारे बाकी दर्शकों को ये प्रोग्राम कैसा लगा। अश्विनी चोपड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका फेस्टिवल, अपने फादर के नाम से करवा रहे हैं, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। दोनों बहनें और उनकी मिसिस अच्छा काम कर रही हैं, और कल महाराज जी आए, उनकी ग्रैंड डॉटर ने डांस किया, ऋचा जैन ने डांस किया, राजू भाई के बेटे सचिन ने डांस किया, यंग जनरेशन ने अच्छा डांस किया, बच्चों को जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं दीपक, कल मैंने इनका प्रोग्राम देखा ऋचा जैन दीदी का, तो इतना अच्छा प्रोग्राम था कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आज सेकंड डे है, आज फिर मैं देखने के लिए आया हूँ, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ऋचा दीदी, मेरे को उनका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कल से भी जो प्रोग्राम का जो शुरुआत हुआ और आज भी जो इनका जो गायन के कार्यक्रम है, ये दोनों में एक ही मकसद है कि क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस का कैसे उत्तरोत्तर उन्नति हो और इसको लोगों के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत करें। Preserving our rich cultural heritage
and ensuring that it is a part of the new India. Thank you.